टीवी पे किसी ना किसी चैनल पे क्रांतिवीर जरूर आ रही होती है। अच्छा, नाना पाटेकर साहब की फिल्म। हाँ, देखते ना उनका डायलॉग बड़ा मशहूर है वो, क्या आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे बाहर आएंगी, कुछ देर लटकता रहूंगा, मर जाऊंगा, तुम लोग घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अच्छा, वो फिल्म इतनी बार देख चुके ना, मुझे तो बचपन में यही लगता था कि हमारे देश को आजादी नाना पाटेकर ने दिलाई है। सीरियसली, क्रांतिवीर खत्म होती है, तिरंगा शुरू हो जाती है, उसमें भी नाना पाटेकर साहब, शाम तक नाना पाटेकर साहब बोल बोल के थक जाते हैं, फिर रात को सनी पाजी की बारी आती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज अच्छी है, उस दिन बच्चन साहब को आराम मिल जाता है, नहीं तो रोज उनकी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चलती रहती है। अरे मुंबई में तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 26 जनवरी के दिन बड़ी ठंड पड़ती है और हर स्कूल में तकरीबन फंक्शन होते हैं, और इस दिन जो बच्चा ठंडे पानी से नहा के स्कूल चला जाए उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। अरे ठंड के मौसम में ना बड़ा मुश्किल होता है, बाथरूम में जाने का दिल ही नहीं करता नहाने का, सब कुछ छूट जाता है। देख लो आप कंबल लेके सोते हो ना, अभी थोड़ा सा पैर बाहर निकल जाए तो पजामे के अंदर से हवा जाती है ना, जरूरी सी होती है, ऐसे नहाने का दिल नहीं करता आदमी, बच्चा तो तब तक बाथरूम में नहीं जाता जब तक माँ नहीं कहती अगर नहाएगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा तुझे। जब बाथरूम में जाता भी ना उसके बाद भी कितनी देर ना वार्म अप होता रहता है, पानी वाले टब के पास यूं बैठा रहता, देखता रहता पानी को, फिर धीरे धीरे कपड़े उतारेगा आराम से, उसके बाद में फिर भी नहीं नहाता, फिर थोड़ी देर हाथ डाल के चेक करता पहले कितना ठंडा है। अब पानी डालना ठंडा सर्दी के मौसम में, मतलब ये कोई जंग से कम नहीं होता, फिर आदमी को गुस्से वाली चीज सोचता है, फिर लगा रहता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्छा, नौकरी पेशे वाले जो अपने लोग होते हैं ये अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, इन्हें याद ही नहीं होता कि स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है। इनको ना दारू की दुकान वाले याद दिलाते हैं, पाजी आज ही ले लो, कल ड्राई डे है। अच्छा, कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, उन्हें 26 जनवरी 15 अगस्त सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, बेसिकली इनको काम ना करने की खुशी होती है, काम चोर। और अगर 26 जनवरी संडे के दिन पड़ जाए इनका मुंह गुलामी वाला हो जाता है, इनको कोई लड्डू भी देता ना भाई साहब गणतंत्रता दिवस आज, डायबिटीज वाला मुंह बना लेते हैं, खाओ लड्डू हमारी तो छुट्टी खा गया ये। और यही 26 जनवरी या 15 अगस्त ना शादीशुदा लोगों को इसलिए नहीं अच्छी लगती, उस दिन बीवियां ना डस्टिंग पे लगा देती हैं, आदमी मुंह पे कपड़ा बांध कर ना पुराना कच्चा डंडे पे लगा कर ना दीवारें साफ कर रहा होता है, उसको कहां से मजा आएगा इंडिपेंडेंस डे का। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, थोड़ा जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको पूरा पता होता है 26 जनवरी इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है, संविधान लागू हुआ था। एक हमारे जैसे बच्चे होते हैं, इनसे पूछो 26 जनवरी का ऐसे 26 जनवरी जनवरी 25 के बाद आती है। छब्बीस जनवरी का त्योहार बड़ा अच्छा होता है, इस दिन स्कूल में लड्डू मिलते हैं, दो लड्डू एक केला। मेरा तो ये मानना कि अगर किसी को सच में नहीं पता कि 26 जनवरी का क्या इतिहास था तो उसकी वजह हमारे देश की तरक्की, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे साइंटिस्ट, उनका हार्डवर्क, जिन्होंने गुलामी के बाद इतने कम सालों में देश को उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज के लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कभी हम गुलाम भी थे। अच्छा, जैसा हम सब जानते हैं कि बरसों से पैसे और रुपए पर किसान की फोटो आ रही है, काश वो दिन भी जल्दी आ जाए जब किसान के पास भी पैसा आ जाए, तो जो किसान देश की भूख मिटाने के लिए पूरे साल हल चलाता है उसकी मुसीबत दूर करने का भी कोई हल मिल जाए, उस दिन लगेगा कि हमारा देश वाकई में आज़ाद है। और 26 जनवरी के इस मौके पे मैं देश के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाले हर देशभक्त को सलाम करता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है और आज हम अपनी सोसाइटी में बढ़िया फंक्शन करने वाले हैं, मैं कुछ सिंगर बुलाता हूँ आपके लिए। यार फटाफट। हेलो विशाल सर, सर हमारी सोसाइटी में रिपब्लिक डे का फंक्शन है सर, कहाँ हो आप? अच्छा इधर ही हो आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बात है सर, इतनी एनर्जी भर दी ना आपने, लगा कि देश आज ही आजाद हुआ है, कसम से मजा आ गया पाजी। आपकी गायकी ने टूटे दिल जोड़ दिए। अरे क्या बात है, ऐसा गाया इन्होंने कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाय 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 हाय, क्या बात, इनकी खनकती आवाज की दीवानी होकर लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड छोड़ दिए। लड़कियों ने बॉयफ्रेंड छोड़ दिए, सिद्धू पाजी ने लड़कों के मुंह उधर मोड़ दिए, वापस लड़कियों के दिल जोड़ दिए।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी। थैंक यू सर, क्या और मुबारक हो सर, इंडियन आइडल मतलब इस सीजन तो मतलब झंडे गाड़ दिए आपने। जी जी, बहुत मतलब बहुत सारा प्यार मिला पब्लिक से, और आई मीन पूरा श्रेय तो सिंगर्स को जाता है, इंडियन आइडल के जो थे मतलब कमाल का काम किया उन्होंने। हम तो स्पेक्टेटर थे, जज थे, आपको तो पता है मतलब हमारा काम डेस्क पर बैठना और कहना वाह वाह भाई क्या बहुत अच्छा गाया। सारे हीरे परख के तो आप ही लाए थे। अच्छा, मैंने फोन किया तो आप झट से आ गए। मतलब हम तो यहीं बाहर घूम रहे थे। देखो इंडियन आइडल आपने कहा ना बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, तो बहुत बड़ा सक्सेस जब होता है तो आदमी को थोड़ी मतलब बाहें फैलाने की जगह चाहिए, तो हमने सोचा फिल्म सिटी खरीद लेते हैं। अच्छा, तो जावेद भाई भी जावेद भाई बाहर हैं, परखने हैं मतलब थोड़ा। अच्छा? सा लैंड कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं दबा के देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, नरम है मिट्टी की नहीं। यहाँ पे सुरीलापन है कि यहाँ पे है जावेद भाई, तो आपको पता है। जावेद भाई को बुला लो, सुरों के शहजादे। अरे जावेद भाई आ जाएंगे। क्या बात है जावेद भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू। Thank you so much. जावेद साहब, उनके सुरों को सुन के मन मतवाला हो गया। आहा, क्या बात है। जावेद की आवाज से अंधेरों में उजाला हो गया। वाह, क्या बात है। सच्ची बंदगी है तेरे हर आलाप में, सुना जो तेरे गीतों को तन मन शिवाला हो गया। क्या बात है। थैंक यू पाजी, थैंक यू। आ गया गुरु। इंडियन आइडल के जजेस हमारे साथ हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड विशाल सर, और कमाल के सिंगर, बॉलीवुड से लेकर सूफियाना गानों में अपनी धूम मचाने वाले जबरदस्त जावेद भाई, जोरदार तालियां। अरे विशाल सर, आपकी तो जोड़ी शेखर सर के साथ है, आपने जावेद भाई के साथ जोड़ी कैसे बना ली? सर ऐसा है कि मतलब फायदे का काम जाओ। नहीं, आपको तो पता है ना, लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती है, जितने चांस मिलते हैं, ले लेने चाहिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे हूँ शेखर, और कुछ। अच्छा, छाप रहे नोट? बिल्कुल, काम धंधा कोई नहीं छोड़ रहे। क्या बात है, ये इस बात आपको पता है सिद्धू भाई, आपसे सीख रहे हैं लोग। गुरुजी ये छोड़ना कुछ नहीं, छापते जाओ। नहीं भाई, देखो मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो मल्टी टास्क करने चाहिए ना। ठीक है, मुझे तो पाजी उस दिन बोल रहे थे, कहता मैं ना चाइनीज मोमो बनाने शुरू कर। जावेद भाई के गाने इतने पॉपुलर हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो गाने जो बड़े मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सारे गाने, जैसे अर्जियां पाजी, मौला मेरे मौला, जैसे गाने जब ये गाते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले को याद करते होंगे। पाजी जब ये गाने गाते हो कि पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, तो पाजी इश्क का जब मंजन घिसते हैं तभी किसको याद करके आप गाते हो गाना पाजी? थोड़ा सा राज है जी, किसी को इमेजिन करना पड़ता है। जिसको मंजन घिसा होगा आपने कभी? अच्छा विशाल सर, लोग कहते हैं ऐसा कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है उस पर खेती दोबारा की जाए? सर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये बंबई है, यहाँ पे खाली प्लॉट पे खेती नहीं होती। विशाल सर, जावेद भाई, हमें पता है कि आप इंडियन आइडल को बहुत मिस कर रहे हो, और खास तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने इंडियन आइडल में धूम मचा रखी थी। बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप आए और हम उनको ना इनवाइट करें। अरे, तो आज 26 जनवरी के मौके पे इस मंच पे चार चांद लगाने के लिए हमने इंडियन आइडल के चारों फाइनलिस्ट को यहाँ पे बुलाया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि विशाल सर, जावेद भाई, आप सिद्धू पाजी के साथ वहां विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां। थैंक यू पाजी, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इंडियन आइडल विनर सलमान अली एंड द फाइनलिस्ट नितिन, नीलांजना और अंकुश। सॉरी। क्या बात है। अरे क्या बात है सलमान यार, अली मैं पीछे रह गया यार, क्या so चक्कर है यार? मतलब क्या चाल है? इधर आओ गुरु, इधर आओ, इधर आ जरा। बहुत मिस कर रहे हैं पाजी। एक पप्पी ले लूं? पप्पी भाई। पाजी इसके बाद नितिन का टर्न है सर। सबसे दुबला वाला उठा लिया, इधर उठाओ जाड़ा वाला।
ये हिंदुस्तान के वो चार नायाब हीरे हैं जिन्होंने ऐसी धूम मचाई इंडियन आइडल में कि लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठा लिया और ये डिजर्व भी करते हैं. जोरदार तालियां.